ओके गाइस, सो फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। एंड मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आपको आ जाना है गूगल क्रोम में। एंड यहाँ पर आपको आने के बाद एक वेबसाइट सर्च करनी है जिसका नाम है इजी। आपने स्पेस नहीं लेनी, आपने सिंपल इस तरह लिखना है इजी टाइपिंग जॉब स्पेस COM, ठीक है। ये सर्च करेंगे बताओ। सो देखिए, मैंने जैसे लिखा है इजी टाइपिंग जॉब, तो मेरे सामने एक वेबसाइट ओपन होके आ चुकी है। सो इस वेबसाइट के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, तो मैंने आपको सर्च करके इसलिए दिखाई है कि भाई आप लोग इसको खुद सर्च करके आसानी के साथ इसको यूज कर सकते हो, कोई इसमें इतनी परेशानी नहीं है, ठीक है। सो ये वाली जो वेबसाइट है इसको मैं ओपन करता हूँ। एंड ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने यहाँ पर अकाउंट बनाना है और कैसे आपने आज ही से अपना काम शुरू करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप लोग वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पे आपको बेसिक चीजें दिखाई जा रही हैं। ये वीडियो है जो कि आप लोग देख सकते हो। एंड आपको सिंपल वर्क गारंटीड पेमेंट एंड ट्रस्टेड प्रोजेक्ट आपको बताया जा रहा है। एंड नीचे आने के बाद उसमें कोई इसमें इतनी मतलब चीजें आपको ऐड नहीं की गई, ठीक है। अब आप सिंपल ज्वाइन नाउ पे आएंगे। एंड ज्वाइन नाउ पे आने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रजिस्टर करने का, ठीक है। सो आपने अपना अकाउंट जो है वो यहाँ पर रजिस्टर करना है, ठीक है, रजिस्टर की तरफ। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, आपको यूजर नेम डालना है, आपको ईमेल डालना है। ईमेल डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना फोन नंबर डालना है। फोन नंबर कैसे डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले प्लस डालना है, ठीक है, +92 जो कि पाकिस्तान का कोड है, ठीक है, नंबर कोड है, ठीक है। ये लाजमी डालना है, आपने याद से डालना है वरना आपका नंबर अप्रूव नहीं होगा। आपने यहाँ पर 3, 4, 9 मतलब आगे अपना अपना फुल नंबर आपने लिख लेना है, 0 नहीं डालनी है, ठीक है। पासवर्ड लिखे, कन्फर्म करें, रजिस्टर कर दें। रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा, तो सेंड या फिर स्टार्ट इस तरह करके, ठीक है। तो वहां पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके पास एक जीमेल आएगी, ठीक है। वहां पर आपको कोड लगाना, वहां पर आपको कोड लगाने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। यहां पर आपको एक मेल आएगी, ठीक है। सो मेल आपको कहां पे आएगी, अगर आप गौर करें तो ऊपर आपको जब आप मेल ओपन करेंगे तो आपको ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपके पास मेल आती है तो ठीक है, नहीं आती तो आप स्पैम फोल्डर लाजमी से चेक करें, क्योंकि आपके देखें आपके पास स्पैम फोल्डर में मेरे पास जो मेल है वो आ चुकी है, ठीक है। सो अब मैं सिंपल चला जाऊंगा, यहाँ पे जाने के बाद मैं अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो अकाउंट है वो आपके सामने लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अब लॉगिन होने के बाद आप देखें तो मेरे पास 0.06 USD पड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर पैसे कमाए हैं, ठीक है। अब एक और चीज आपको नजर आती है वो है एडिट प्रोफाइल की, जो कि मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहीं पर हमारी जो विड्रॉ का प्रोसेस है वो होगा, तो हम सबसे पहले मैं आपको अर्निंग करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपको ऑप्शन मिल जाता है अर्न मनी, तो मैं अर्न मनी पे आता हूँ। तो क्या इतना बड़ा काम है, क्या ऐसा काम है जो हमने करना है? सो देखें, कोई इतना बड़ा काम नहीं। NC2EUL उसके बाद ये है, फिर 2 एंड देन सबमिट। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। सो देखें मेरे पास ये जो है वो सक्सेस हो चुका है, एंट्री सक्सेसफुल एंड अर्निंग क्रेडिटेड। ये कह रहे हैं कि मुझे जो वो अर्निंग हो चुकी है इसकी, अब पर एक करने का मुझे $0.03 मिलेगा तकरीबन, ठीक है। अगर हम लोग इसको पूरे, मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ, देखिए मैं इससे बैक आ जाता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर इससे बैक आता हूँ, इसको बैक करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको मैं डिटेल में सारी चीजें समझा सकूं। खैर अगर आप सामने चीजें होंगी तो आपको सही से समझ आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको, मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल रहा है, कहाँ गया यार, ये रहा अपग्रेड पैकेज का। तो आपको पैकेज अपग्रेड नहीं करना है, आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है यहाँ पे। सबसे पहली चीज आप ये गौर करें कि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। फ्री वाले पैकेज में आपको फ्री अकाउंट मिल जाता है टू टेस्ट अवर सर्विसेज, एंड पर डे आपको जो है वो सिर्फ 100 एंट्रीज जो है वो मिलेंगी। अब 100 एंट्रीज डेली करने के बाद आपको तकरीबन 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि आपने अभी देखा तो मैंने आपको विद इन सेकेंड्स एक जो है वो एक कैप्चा फिल करके जो टाइपिंग करके दिखा दिया, ठीक है। तो आपको 100 एंट्रीज मिलेंगे एंड 0.3 दिखा दिया, ठीक है। तो आपको 100 एंट्रीज मिलेंगे एंड $0.03 पर अर्निंग है। एंड अगर हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो $3 हमारी डेली की अर्निंग हो जाती है। एंड अगर हमारी डेली की अर्निंग $3 होती है तो इस हिसाब से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी मंथ तक एंड तक तकरीबन 30 से 32-33 दिनों में हमारे जो है वो $100 कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, तकरीबन 33 दिनों में। एंड $100 तकरीबन पाकिस्तान में इस वक्त जो $100 की प्राइस है वो तकरीबन 15,000 ऊपर कुछ पैसे है, ठीक है। और 0.03 को अगर हम लोग 100 के साथ करते हैं, यानी कि डेली हम लोग जो है वो $3 कमा सकते हैं, जो कि तकरीबन 460 रुपये, 450-462 इतने पैसे बनते हैं, ठीक है। तो आपको इसको अपग्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है, जो आपकी अर्निंग हो रही है उसी पर आपको काम शुरू कर देना है। एंड अगर मैं आता हूँ डैशबोर्ड पे, तो डैशबोर्ड पे आने के बाद मुझे अब और कौन सा ऑप्शन नजर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन नजर आते हैं, अर्न मनी, अपग्रेड पैकेज, अपडेट प्रोफाइल। अपडेट प्रोफाइल का मैं आपको बता देता हूँ आपने कैसे करनी है। यहाँ पर आपको अपना पेमेंट मेथड भी ऐड करना है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अपग्रेड पैकेज की तरफ आते हैं तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हो, बल्कि आप ना करो तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि अभी आप
शुरू शुरू अभी आपने शुरू काम किया, सो आप शुरू में ऐसा करोगे तो आप लोग बुरे फंसोगे। सो एडिट प्रोफाइल में आएंगे आप लोग, यहाँ पर आने के बाद आपको अपना फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, मोबाइल नंबर, स्ट्रीट स्ट्रीट एड्रेस, कंट्री, और पेपाल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन मिल जाता है वेस्टर्न यूनियन का। वेस्टर्न यूनियन क्या है भाई? वेस्टर्न यूनियन वो है जिससे मैं खुद पेमेंट लेता हूँ, यूट्यूब की पेमेंट, ठीक है। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो कि वेस्टर्न यूनियन के जरिए से पेमेंट लेते हैं। वेस्टर्न यूनियन में क्या आता है? कोई इतना बड़ा काम नहीं है, सिंपल आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, सेकंड नेम डालना है, अब ये उस बंदे का नाम डालना है जिसका शनाख्ती कार्ड जो है CMSE बना हो, ठीक है। क्योंकि अगर किसी का शनाख्ती कार्ड नहीं बना, आपने उसके नाम पे पैसे मंगवा लिया तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, ठीक है। आपने जिसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, जैसे कि मतलब किसी बंदे का जिसका नाम, जैसे कि मैं अपना करता हूँ, ठीक है, मोहम्मद हसनैन सोहेल मेरा नाम लिखा हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मोहम्मद हसनैन लिखूंगा, नीचे यहाँ पे मैं सोहेल लिख लूंगा, एंड सिटी में अपनी सिटी लिख दूंगा, कंट्री में अपनी कंट्री, एंड देन सबमिट कर दूंगा। बस यही काम था। एंड जब मेरी पेमेंट आएगी तो मुझे यहाँ पर एक कोड दिया जाएगा, तकरीबन दस इंसों का कोड दिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह करके ना 10 इंसे होंगे, ठीक है, कोई भी होंगे रैंडम, वो मुझे कॉपी करने हैं, आपको वो किसी को भी नहीं देने हैं, ठीक है। अब सिंपली बैंक में जाएंगे, ज़रई बैंक में इनकी वेस्टर्न यूनियन अवेलेबल होता है। अगर आप ज़रई तरक्याती बैंक ZTBL में जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद आपको उनको कहना है कि मुझे वेस्टर्न यूनियन की पेमेंट चाहिए, ठीक है। तो वो आपको सिंपल कहेंगे कि अपना जो है वो MTCN नंबर, जो MTCN नंबर है वो वही कोड होगा जो आपको 10 300 का कोड आया होगा, आपने वो उनको बताना है। और हिजाज से आपने अपना ओरिजिनल CNIC एंड एक उसकी फोटोकॉपी साथ लेके जानी है ताकि वो आप उनको दे सके, ठीक है। तो जैसे आप उनको देंगे वो फौरन वहीं पर कंप्यूटर पे थोड़ा सा मतलब जो भी चीज़ है वो करके आपको फौरन आपकी जो पेमेंट है वो आपके हाथ में पकड़ा देंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा काम है, आसानी के साथ आप लोग पैसे कमा सकते हो। सो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को ज़रूर समझ आई होगी, काफ़ी इशू आ रहा था समझ आने का, तो मैंने काफ़ी आहिस्ता बोला है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना दोस्तों। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।